जो पूछताछ करना था पूछा लोग हम जल्दी और क्या पूछताछ हुई सर पूछो पूछताछ अरे भाई पूछो नहीं मिला कोई पैसा की बात नहीं देखिए कहाँ पैसा है कोई पैसा आप देख रहे हैं सामने जा रहे हैं कोई बात नहीं भाई बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है एयरपोर्ट पर जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह को डिटेन किए जाने की सूचना है खबरों की माने तो एमएलसी दिनेश सिंह के पास से काफी कैश मिला है दिनेश सिंह दिल्ली से पटना आए थे खबरों की माने तो दिनेश सिंह के पास एक अटैची था जिसमें काफी कैश रखा गया था इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जिस अटैची को देख रही हैं माना जा रहा है उसी में कैश है अटैची को सील कर दिया गया है और अधिकारी इसे अपने साथ लेते गए हैं जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में दिनेश सिंह के करीब 3 घंटे तक अधिकारियों ने पूछताछ की है उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि इतना कैश वह कहां से और किससे लेकर आ रहे थे और इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना था हालांकि अधिकारियों को दिनेश सिंह ने क्या बताया इस बारे में अभी तक साफ नहीं हो सका है 3 घंटे के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर दिनेश सिंह से जब पत्रकारों ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने किसी भी तरह के कैश मिलने से इनकार किया है उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर बाद में बात करेंगे अभी उनकी तबीयत नासाज है दिनेश सिंह मुजफ्फरपुर के बड़े कारोबारी हैं उनकी पत्नी वीणा देवी पिछली बार वैशाली लोकसभा सीट से LJP के टिकट पर चुनाव जीती हैं साल 2020 में उनकी बेटी कोमल सिंह ने पटना की गायघाट विधानसभा सीट से LJP के टिकट पर चुनाव लड़ा था तब पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर जदयू ने दिनेश सिंह को निलंबित भी कर दिया था दिनेश सिंह 4 बार विधान पार्षद चुने गए हैं मुजफ्फरपुर में उनका काफी बड़ा राजनीतिक कद है वो कई तरह के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी तब वह इलाज के लिए दिल्ली गए थे अब इस खबर के सामने आने के बाद जदयू का क्या रुख रहता है क्या वो अपने पार्टी के नेता दिनेश सिंह का बचाव करता है या फिर इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताता है यकीनन इस घटना पर भी राजनीति होनी लाजमी है कोई पैसा आप देख रहे हैं ना सामने जा रहे हैं कोई बात नहीं भाई ये बात क्या नहीं पैसा की बात आ रही थी कि पैसा लेकर कोई पैसा की बात नहीं देखिए कहाँ पैसा है साथ ही आप 7 बजे लैंड किए हैं और अभी 10 बजे से ज्यादा हो रहा है इनकम टैक्स की टीम आई थी कोई टैक्स की टीम नहीं है कोई बात नहीं भाई कोई बात अगर आइए आइएगा सुबह डेढ़ पर अगर ऐसा है कि हमारे कोई बीमार है कोई लोग हैं तो बता दिया कि पैसा उनके लिए लेके आ रहे हो नहीं नहीं तो बता दीजिए टॉर्चर करने के लिए आप लोग सरकार में इसीलिए क्या नहीं बोल रहे लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि क्या बात है बैग में पैसा है क्या ऐसा कोई बातें नहीं था जो पूछताछ करना था पूछा लोग हम जल्दी और क्या पूछताछ हुई सर पूछो पूछताछ नहीं कैश मिला अरे भाई पूछो नहीं मिला कुछ नहीं था कुछ नहीं था कुछ नहीं मिला कुछ नहीं सुप्रीम फर्नीचर नाम ही काफी है रेंज ऐसा कि देखेंगे तो देखते रह जाएंगे यहाँ आपको मिलेगी 400 से लेकर 4000 तक की कुर्सी तो देर मत कीजिए होलसेल और रिटेल के लिए आइए बिहार के एकमात्र डीलर लवली इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज में हमारा पता है नाला रोड पटना जानकारी के लिए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9931230990 या फिर 9835067074 पर